पहली बार मैं देख रहा हूँ यार, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, कम ऑन एवरीवन, हमारे दोनों प्यारे प्यारे से आर्टिस्ट के लिए। एंड खास तौर पर आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं 17th प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करने के लिए। एंड आप सब मेहमानों को, आप सब गेस्ट को मैं बता दूं कि ये इवेंट जो है ये सिर्फ NRIs के लिए नहीं है, सिर्फ इंदौर की जनता के लिए नहीं है, सिर्फ फॉरेन डेलीगेट्स के लिए नहीं है, ये इवेंट जो है वो हम सबका है। सो हम सबको मिलकर साथ में एंजॉय करना है। अभी फिलहाल मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, मजा आ रहा है आप लोगों को? थोड़ी एनर्जी तो आई है यार। ऑलराइट, अच्छा पहले ये देख लेते हैं लड़के कितने हैं यहाँ पर, लड़कियां कितनी, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा ना मजा किसको आ रहा है, लड़कों को ज्यादा आ रहा है कि लड़कियों को ज्यादा आ रहा है। ऑलराइट, सो एक बार सबसे पहले मौका हम देंगे लड़कियों को, और लड़कियों को इसलिए क्योंकि चिल्लाने में लड़कियों का कोई तोड़ नहीं है। ऑलराइट, सो लड़कियों को हम मौका देने वाले हैं सबसे पहले चिल्लाकर हूटिंग करके बताना है कितनी ज्यादा एक्साइटेड है इन सारी परफॉर्मेंसेस को लेकर, और भी ज्यादा परफॉर्मेंसेस यहाँ पर आने वाली। लड़कियां एक बार यहाँ पर अपनी एनर्जी शो करेगी, कम ऑन ऑल दी गर्ल्स, 3-2-1 काउंटडाउन पर हूटिंग करेगी, कम ऑन ऑल दी गर्ल्स, 3-2-1। क्या बात है, मुझे लगता है कि लड़कियों ने यहाँ पर इस साइड में घेराव कर लिया है पूरा। हाँ, यहाँ पर आई लव इंदौर के पास पूरा लव है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इंदौर पूरा इधर है। लड़के कहां पर हैं, कितनी ज्यादा एनर्जी के साथ है लड़के, एक बार हूटिंग करके दिखाने वाले, कम ऑन ऑल दी बॉयज, 3-2-1। भाई साहब पलासिया से विजयनगर पहुंचा दिया। ऑलराइट, सो अभी हमने स्टार्ट किया है, सिर्फ मुझे लगता है कि राजवाड़ा तक आवाज जाने वाली कुछ ही देर में। हमारे साथ दोनों आर्टिस्ट बने हुए हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए दीपक एंड दृष्टि के लिए।